नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन न्यूज सिलीगुड़ी और आपके साथ मैं सुप्रिया। आज हम मल्लागुड़ी में खड़े हैं। इतने दिन से एक ही टॉपिक था, वो है पेट्रोल और डीजल का टॉपिक, जहां पे पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं घटाने पर बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल है जिन्होंने बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए हैं और सवाल उठा है केंद्र पर, सीधा सवाल सादे थे। लेकिन आज जब घट चुका है, जब पेट्रोल और डीजल का दाम घट चुका है, तो सवाल बीजेपी खड़ा कर रही है कि आखिर क्यों राज्य सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार पेट्रोल और डीजल का जो वैट है वो घटा नहीं रही है। सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक वैट नहीं घटाए। ये सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे सांसद राजू बिष्ट भी यहाँ पे मौजूद है। भाजपा की तरफ से सीधा सवाल उठा रहा है कि आखिर जब केंद्र सरकार ने जब वैट को घटा दिया है, तो आखिर राज्य सरकार क्यों नहीं। और सामने की तरफ ये बैरिकेड दिखाइए, ये बैरिकेड देखिए, जहाँ पे आज की जो रैली है उनको रोकने के लिए यहाँ पे इतना सारा बैरिकेड लगा दिया है। सवाल हाय हाय हाय, आगे जाओ, दादा एक तो सॉरी। अरे यहाँ पे रोका गया है, बीजेपी वाला को रोका गया है ताकि आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए यहाँ पे रोक लगा दी गई है। दादा पूरा मैनाक जो है, मैनाक टूरिस्ट लॉज से पूरा बैरिकेड लगा दिया है यहाँ पे, ताकि आगे ना बढ़ सके, बीजेपी वाला जो है वो आगे ना बढ़ पाए। इस तरह से सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं है बल्कि रैफ भी यहाँ पे मौजूद है। क्या सवाल पूछने पर रोक लगा दिया है? यहाँ पे सांसद राजू बिष्ट और प्रशासन है, उनके बीच में बातें चल रही है कि उन्हें बीजेपी वाले को सामने आगे जाने दिया जाए, लेकिन यहाँ पे प्रशासन कह रहे हैं कि उन्हें ऑर्डर दिया गया है कि सामने नहीं जाने दिया जा सकता है। अभी भी बाताबाती चल रही है, यहाँ पे बात कर रहे हैं दोनों। आप सभी को ये बता दे कि Thank you.
माटीगढ़ा नक्सलवाड़ी के एमएलए यानी विधायक आनंदमय मर्मन जी भी यहाँ पे मौजूद है। महिला मोर्चा की जो प्रेसिडेंट, जाओ ना कैमरा पीछे मत दो, पीछे मत हटना, कि जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप सभी को ये बता दें कि जितने भी जो राज्य है 29 राज्य में से ऐसे अभी भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वैट नहीं घटाया है। उनमें से झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, महाराष्ट्र भी शामिल है। इन सभी राज्य ने अभी तक वैट नहीं घटाया है। जब तक ममता दीदी, मैं फिर कहना चाहता हूँ, जब तक टीएमसी और ममता दीदी पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की रैली और प्रोटेस्ट हम आने वाले समय में भी करते रहे। आज तो पुलिस ने अटका दिया आपको, आप लोग को जाने नहीं दिया। मेरी पुलिस से बात हुई, जबकि उनको भी ये बात पता है, ये शांति तरीके से, गणतांत्रिक तरीके से हमारा मिचेल चल रहा था, यात्रा चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस बीच में अड़ी हुई है। हम विरोध नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि ऊपर से उनको आदेश आया है, फोन आया है कि यात्रा आगे करने नहीं देनी है, तो हम यात्रा यही समाप्त करते हैं। लेकिन ये पश्चिम बंगाल के लिए बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाला है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जनता की पुलिस ना होकर के एक पार्टी विशेष टीएमसी की पुलिस होकर काम करती है। आज अगर यही रैली, यही मिचिल अगर टीएमसी का होता, तो वहाँ पे ये लोग पानी पिला रहे होते, उनकी सेवा में होते। लेकिन अगर जब बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी विरोधी पार्टियाँ करती है, तो ये जो है विरोध में आके खड़े होते। मुझे लगता है पुलिस को जो कुछ भी उनको शपथ में दिया गया, जो कुछ भी शपथ लेते टाइम उन्होंने घोषणा की, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। मुझे लगता है पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है, मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूँ। लेकिन मैं उनका विरोध भी इसलिए नहीं करता क्योंकि वो भी आदेश के अगेंस्ट जाएगी तो उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता उनके परिवार में जो है इस तरह की गलत चीज़ें हो, तो हम अपनी यात्रा यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन हमारा ये मकसद बस इतना ही था कि ये कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई टीएमसी सरकार को हम जगाएं, हम उनसे निवेदन करें कि पश्चिम बंगाल की जनता आपसे अपेक्षा रखती है,
तीसरी बार आपको मुख्यमंत्री बनाया है, कृपया करके डीजल और पेट्रोल के दाम में कटौती करके जो राहत केंद्र सरकार ने दी और बहुत सारे देश भर के राज्यों ने दिया, पंजाब जैसे राज्य ने भी दिया, तो इतनी अपेक्षा तो हम मुख्यमंत्री जी से रख ही सकते हैं। मुझे लगता है ये हमारा नैतिक अधिकार। अच्छा, ये बताइए कि इतना दिन से जो टीएमसी इतना विरोध प्रदर्शन कर रही थी कि पेट्रोल का डीजल का दाम घटाए, वैट घटाइए बोल के, लेकिन अब वो मुखर रही है, अब कहीं ना कहीं वो नजरअंदाज कर रही है जब राज्य सरकार की बारी आती है, तो ऐसा क्यों लगता है कि राज्य सरकार अभी अपनी ही बातों से मुखर रही है? देखिए, ये टीएमसी और ममता दीदी हमेशा दोगली बात करते हैं। वास्तविकता यह है कि पश्चिम बंगाल 5 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है और ये 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा ये जनता के पैसा थे जो टीएमसी के नेता मंत्री से लेकर के सब कार्यकर्ताओं के जेब में गए हैं। और आज जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे सड़कें बनाने का काम हो, जो कुछ भी केंद्र की योजनाएं आती है उसके माध्यम से ही थोड़ा बहुत काम होता है, अन्यथा जो है टीएमसी की तरफ से पश्चिम बंगाल की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मोदी जी को गाली देने के, उसके अलावा यह पार्टी कुछ और कर भी नहीं सकती। अच्छा अच्छा, टीएमसी का ये आरोप है कि बीजेपी के जितने भी जो राज्य हैं सिर्फ बीजेपी राज्य वाले ही दाम घटा रहे हैं और कोई भी राज्य नहीं घटा रहे। देखिए, मैं देखिए हमको क्या स्टैंड करना, आप देखिए पेट्रोल डीजल जब मनमोहन सिंह जी के समय में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब जो सब्सिडी दिया करते थे वो सब्सिडी के बदले वो ऑयल के बॉन्ड इशू करते थे। 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा 2014 में कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई, उसके बावजूद भी हर साल 20-25 हज़ार करोड़ करते करते मोदी जी ने आज उसके पैसे भी दिए हैं। उसके बावजूद जाकर के अगर जब केंद्र की सरकार 10 रुपये और 5 रुपये अपने डीजल पेट्रोल में दाम कम कर सकती है, मुझे लगता है राज्य को तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑयल बॉन्ड का पैसा तो उनको भरना भी नहीं है, वो तो केंद्र सरकार भर रही है। और ये ना करके ये सीधा स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हम जन विरोधी सरकार है, पश्चिम बंगाल विरोधी सरकार है, हम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा विरोधी सरकार है, ये बात स्पष्ट हो जाता है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो जो सांसद है राजू बिष्ट जी का कहना है कि ये टीएमसी की चाल है, टीएमसी हमेशा बीजेपी के खिलाफ और जो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री है उनको ही सिर्फ गाली देना ही उनका काम है, नहीं तो जब काम की बात आती है तो सिर्फ केंद्र ही काम करती है। अब ये तो रही राजनीतिक का पक्ष, इसमें तो हम नहीं जाए तो बेहतर, लेकिन एक सवाल है कि जब जितने भी जो विपक्षी दल है वो आवाज़ उठा रहे थे कि आखिर क्यों वैट में दाम नहीं घटाया जा रहा था, आखिर पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान क्यों छू रहा था, तब सभी जितने भी जो विपक्षी दल है उन्होंने सीधा कस ताना बीजेपी सरकार यानी कि केंद्र सरकार पे। जब केंद्र सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल में दाम घटाए और उसके साथ साथ ही 10 रुपए डीजल में दाम घटाए, तब अभी जितने भी जो विरोधी दल है वो हाथ उंगली लगाकर मुंह बंद कर रहे हैं, जबकि उनका अभी क्या कर्तव्य नहीं है जनगण के लिए? जब सवाल उठा रहे थे कि केंद्र अभी पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान बता रहे, तो क्या वैट राज्य नहीं लेती? जो वैट टैक्स है क्या वो राज्य के पास नहीं जाता? क्या अभी क्या उनका दायित्व नहीं है, जितने भी जो राज्य है उनका दायित्व नहीं है कि वो भी जनगण के लिए सोचे? क्योंकि कहीं ना कहीं सभी जितने भी जो राजनीति दल है उनका तो यही कहना है कि वो जनगण के लिए ही जीते हैं, जनगण के लिए ही करना चाहते हैं। तो आखिर जब जनगण का समय आ चुका है तब आखिर फिर पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों पीछे हटी है? ये सवाल पश्चिम बंगाल की सरकार ही नहीं बल्कि उन सब राज्यों में है
जिनका कहना है कि सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट यानी कि जितने जो जो स्टेट्स में जो जो राज्य में बीजेपी रूल करती है सिर्फ वही स्टेट में नहीं बल्कि पंजाब इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा चलाई जाती है उनके अंडर में है पंजाब, लेकिन पंजाब ने भी दाम घटाए है। उसके साथ साथ हम बता दें कि तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरला ये सब स्टेट्स हैं, ये सब राज्य हैं जिन्होंने अभी भी वैट नहीं घटाया है, जबकि इतने दिनों तक वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इतने दिनों तक सवाल खड़ा कर रहे थे केंद्र सरकार पर। तो फिर आखिर अभी जब राज्य जब केंद्र ने वैट घटा दिया है तो क्या राज्य का दायित्व नहीं बनता कि वो भी अपना वैट घटाए? यह सवाल सभी राजनीतिक दल के लिए और साथ ही आप सभी जनता के लिए। आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा क्योंकि ये आप सभी के लिए भी है, ये सवाल आप सभी के लिए भी है, ये सवाल आप भी इतने दिनों से आप उठा रहे थे कि पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान छू रहा है, तो ये सवाल आपसे भी है। ऐसे अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ जीवीएनएन न्यूज़ सिलीगुड़ी। धन्यवाद।